तो नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप, आप सभी का फिर से स्वागत है एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बीए फर्स्ट ईयर इतिहास सेकेंड मॉडल पेपर के बारे में। इससे पहले जो मैंने वीडियो अपलोड की थी 2 दिन पहले, वो इतिहास फर्स्ट यानी प्रथम प्रश्न पत्र की थी और ये इतिहास द्वितीय प्रश्न पत्र की है। ठीक है, तो आपको वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। मैंने उस वीडियो में फिलहाल बताया था आप लोगों से कि मैं द्वितीय प्रश्न पत्र की वीडियो बनाऊँगा, तो मैंने फाइनली बना दिया है। ठीक है, वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये जो मॉडल पेपर, ये पिछले साल का है, सब क्वेश्चन पिछले साल एग्जाम में पूछे गए थे। अब आप में से बहुत सारे स्टूडेंट का क्वेश्चन होगा कि किस यूनिवर्सिटी के हैं, मैं ये कहना चाहूँगा ये सभी यूनिवर्सिटी के लिए इंपॉर्टेंट है जिन स्टूडेंट के यूनिवर्सिटी में सब्जेक्टिव क्वेश्चन आ रहे हैं, क्योंकि रूल्स चेंज हुए हैं तो कुछ यूनिवर्सिटी में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने लगे हैं फर्स्ट ईयर में। ठीक है, और कुछ यूनिवर्सिटी में तो एडजेक्टिव है, यानी कि पहले जैसा सब्जेक्टिव आते थे तो सब्जेक्टिव ही है। ठीक है, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा जिन स्टूडेंट के यूनिवर्सिटी में सब्जेक्टिव क्वेश्चन आ रहे हैं वो स्टूडेंट ये वीडियो को जरूर देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन है जैन धर्म की प्रमुख विशेषताएँ की विवेचना कीजिए। ठीक है, पूर्णांक आप देख लीजिए, किसी यूनिवर्सिटी में 70 मार्क्स का होगा और किसी में 100 मार्क्स का भी होता है। ठीक है, वो यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, और जैन धर्म की प्रमुख विशेषताओं की विवेचना कीजिए। तो जैन धर्म की प्रमुख ही, ठीक है, प्रमुख विशेष क्या था, विशेष, ठीक है, मुख्य क्या चीज़ें थी, विशेषताएं, उनकी विवेचना करना है, यानी कि जो भी विशेषताएं थी उनके बारे में आपको डीपली लिखना है, यानी कि आप लोगों को 2 से 2.5 पेज में इस क्वेश्चन का आंसर देना है। ठीक है, अथवा करके दूसरा ऑप्शन भी मिल जा रहा है, जिन स्टूडेंट को इस क्वेश्चन का आंसर नहीं मालूम है वो दूसरा क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। ऋग वैदिक काल की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक स्थिति की विवेचना कीजिए। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन का भी आंसर दे सकते हैं। ठीक है, चाहे इसका दीजिएगा चाहे इसका दीजिएगा, लेकिन एक ही का दीजिएगा क्योंकि आपको नंबर एक ही के मिलेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आश्रम व्यवस्था पर लेख लिखिए। तो आप लोगों को मालूम है कि पहले आश्रम चलते थे, तो आश्रम की व्यवस्था क्या थी, व्यवस्थाएं के बारे में आप लोगों को लेख लिखना है। ठीक है, आश्रम व्यवस्था के बारे में आप लोगों को बताना है डिटेल में। ठीक है, और अथवा करके आपको दूसरा भी मिल जा रहा है, पुरुषार्थ पर एक निबंध लिखिए। तो पुरुषार्थ पर एक निबंध आ रहा है आपको, तो बेशक लिखिएगा, अदरवाइज आश्रम व्यवस्था पर आप लिख लीजिएगा। मैं सजेस्ट करूँगा जिसके बारे में आपको डीप में नॉलेज है, अच्छे से नॉलेज है, उसी का आंसर दीजिएगा। ठीक है, और मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा, जिस स्टूडेंट ने अभी सीरीज नहीं खरीदी है, क्वेश्चन बैग नहीं खरीदा, तो मार्केट से खरीद लीजिए, अगर खरीद लिया तो अच्छी बात है, ये सारे क्वेश्चन सीरीज में या क्वेश्चन बैग में ढूंढ लीजिएगा, बुक होगी तो उसमें भी मिल जाएंगे, अदरवाइज इंटरनेट से तो आप सर्च ही कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन अच्छे से पढ़ के जाइए क्योंकि एग्जाम आने वाले हैं, तो तैयारी आप लोगों को अच्छे से भी करनी होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर की, पुराणों के सांस्कृतिक महत्व की विवेचना कीजिए। तो पुराणों के सांस्कृतिक महत्व क्या थे, ठीक है, पुराणों के सांस्कृतिक की उनकी विवेचना कीजिए, तो महत्व क्या थे उसको लिखना है, उसके बाद आप लोगों को हेडिंग डाल के विवेचनाएँ बतानी है। ठीक है, अथवा करके दूसरा मिल जा रहा, अगर ये नहीं आ रहा है तो ये देख लीजिए, महाभारत काल में महिलाओं की स्थिति का चित्रण कीजिए। तो महाभारत काल में महिलाओं की स्थिति क्या थी उसके बारे में चित्रण कीजिए, तो उसके बारे में ये नहीं कि चित्र बनाना है फिलहाल, चित्र वित्र अगर आ रहा है तो अच्छी बात है, चित्रण का मतलब कि उसके बारे में आप थोड़ा डीप में लिखना है बस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, राजपूत कला की विभिन्न शाखाओं पर प्रकाश डालिए। तो राजपूत कला की जो विभिन्न शाखाएँ हैं, ठीक है, उनके बारे में आप लोगों को डिटेल में लिखना है, अथवा करके ऑप्शन दूसरा भी है, गुप्त मंदिरों की प्रमुख विशेषताएं की विवेचना कीजिए। तो जो गुप्त मंदिर थी उनकी मुख्य विशेष क्या थी, ठीक है, मुख्य कारण क्या थे ऐसा भी कह सकते हैं, या मेन चीज़ें क्या थी, विशेष क्या था उसमें, उसके बारे में आप लोगों को लिखना है। ठीक है, विशेषताएं ऑप्शन हेडिंग डाल के ऑप्शन नंबर देखिए, स्टेप बाय स्टेप लिखिए, जिसकी कई विशेषताएँ होती है, जैसे कि प्रमुख विशेषताएँ गुप्त मंदिर की, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, तो 1 नंबर में आप हो सकेगा तो कम से कम 60-70 वर्ड्स ज़रूर लिखिएगा, जिससे आप लोगों को कम से कम 2.5 से 3 पेज में आप लोगों का आंसर आ जाए, क्योंकि एग्जामिनर ये भी देखता है कि हाँ स्टूडेंट को इस टॉपिक के बारे में या इस क्वेश्चन के बारे में कितना अच्छा नॉलेज है। ठीक है, तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लिखिएगा क्योंकि रिटन एग्ज़ाम होने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रविन्द्रनाथ टैगोर के सामाजिक विचारों पर प्रकाश डालिए। रविन्द्रनाथ टैगोर आप लोगों को मालूम ही है कौन है, ठीक है, तो उनके सामाजिक, समाज के विचारों पर, उनके समाज के लिए क्या विचार थे
उन पर प्रकाश डालना, उनके ऊपर आप लोगों को डिटेल में लिखना है। अथवा करके दूसरा ऑप्शन है, सूफी धर्म के सिद्धांतों का उल्लेख करते हुए विशेषताएँ बताइए। तो सूफी धर्म के जो सिद्धांत हैं उनका उल्लेख करिए और साथ साथ में उनकी विशेषताएँ भी बतानी है। तो जिसके बारे में आपको अच्छा नॉलेज है उसके बारे में आप लिखिएगा, ठीक है। सारे क्वेश्चन आपको सीरीज में, क्वेश्चन बैंक में, इंटरनेट पे मिल जाएंगे, ठीक है। आंसर मैं बताऊंगा तो बहुत ही लंबे लंबे आंसर हैं, तो पता चले कि वीडियो एक दो घंटे की वीडियो ही हो जाएगी, ठीक है। तो बस ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को प्रोवाइड करने थे, मुझे लगा कि ये जानकारी आप तक देना ज़रूरी है, क्वेश्चन बताना आपको ज़रूरी है। एग्ज़ाम में कुछ ना क्वेश्चन आपको इसी प्रकार देखने को मिलेंगे। मैं ये एग्जैक्टली ये नहीं कह रहा हूँ, झूठ नहीं बोलूँगा कि यही सारे क्वेश्चन आ जाएंगे, मैं ये कह रहा हूँ कि इसी प्रकार के एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो आपको आइडिया तो लग ही गया होगा किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। अगर आपको लगा हो कि मैंने अच्छा किया, आप लोगों तक क्वेश्चन प्रोवाइड किया, आइडिया दिया, तो वीडियो को लाइक करिएगा। अगर आप कुछ पूछना चाह रहे तो बेशक कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और ये जो आप लोगों के सारे क्वेश्चन हैं आप नोट डाउन भी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे वेबसाइट है जहाँ पर लिखा होगा sandeepinfo.com, उस पर क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारे मॉडल पेपर और ये भी मॉडल पेपर आपको वहाँ ही पर मिल जाएगा, ठीक है। तो यही सब जानकारी दोस्तों, इसमें इस मॉडल पेपर में 5 ही क्वेश्चन हुए हैं, क्योंकि जो आप लोगों के सब्जेक्टिव होते हैं एग्ज़ाम, ठीक है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं उसमें 6 ही 7 क्वेश्चन होते हैं। कुछ यूनिवर्सिटी में 7 भी होते हैं, 8 भी होती हैं, कभी कभी चेंज हो जाते हैं 1-2, लेकिन 6-7 क्वेश्चन, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं होते क्योंकि ये सब आप लोगों को रिटर्न में लिखना होता है, ठीक है, लॉन्ग होते हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बस आज के इस वीडियो में बस इतना ही, आपको मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।